वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर Vivo Y23 Pro का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, हमारे पास में है Vivo का V23 और Reno का Reno 6। ये स्मार्टफोन 2 दिन पहले मार्केट में आया है और ये स्मार्टफोन आज से लगभग 6 महीने पहले आ चुका है, लेकिन आज भी इसकी तकड़ी डिमांड है। दोस्तों Reno सीरीज की बात की जाए तो Reno 7 में अभी टाइम है और सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको यही फोन मार्केट में देखने को मिलते हैं, जहां पर दोनों ही फोन देखने के अंदर एक जैसे हैं, बॉक्सी है, इनके फीचर्स भी काफी हद तक सिमिलर है और प्राइस सेगमेंट भी एक जैसे हैं। तो क्यों ना दोस्तों दोनों का एक साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए, जहां पे हम बात करने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, हर एक चीज के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए यहां पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है, Vivo का V23 या फिर Oppo Reno 6। इनको एक बार रखता हूं मैं साइड में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरु जी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहला सवाल आता है बिल्ड क्वालिटी का, इन हैंड फील का। तो Vivo V23 ये आपको मिलता है दोस्तों 180 ग्राम का। ये दोस्तों मेटल फ्रेम है और पीछे आपको ग्लास मिलता है, बॉक्सी डिजाइन है। अगर आप इसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं ना तो ये खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन मेरी टेबल पर नहीं हो पा रहा है। खड़ा हो गया ना ये और भी गिर भी गया। डोंट ट्राई एट होम, कहीं पर भी ट्राई ना करें, वरना आपका प्यारा स्मार्टफोन बहुत जल्दी भगवान को प्यारा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं Reno की, ये स्लाइटली थोड़ा सा भारी है, 185 ग्राम का। ये भी दोस्तों बॉक्सी है, मेटल फ्रेम है और पीछे आपको ग्लास मिलता है। खड़ा ये भी हो गया। ऑलराइट, ये टेबल के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अदरवाइज दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये लीजिए, दोनों स्मार्टफोन अपने पैरों पे खड़े हैं, दोनों काफी बॉक्सी है और दोनों की बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील काफी हद तक सेम है और काफी तकड़ी है। फिजिकल ओवरव्यू देखा जाए ना तो दोनों के अंदर पोर्ट्स एंड बटन नीचे की साइड में बिल्कुल एक जैसे हैं। स्पीकर ग्रिल, सी पोर्ट, माइक और सिम ट्रे। स्पीकर ग्रिल जो साइज है ना, छेद है ना, जो वो थोड़ा सा अलग अलग है। ऊपर की साइड में दोनों के अंदर सेम है, नॉइस कैंसलेशन माइक है। लेफ्ट और राइट में दोस्तों यहां पे थोड़ा सा फर्क है, आप देख ही सकते हैं। और पीछे की साइड में कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरीके से दिए गए हैं और दोनों के कैमरा मॉड्यूल अलग अलग हैं और दोनों के ही अपनी जगह पर प्यारे लगते हैं। एक चीज दोस्तों यहां पे मैं भूल गया कि ये Vivo का जो ब्लैक कलर है ना, इसके अलावा एक गोल्डन कलर आता है जो कि मेरे पास में प्रो का पड़ा होगा यहां कहीं, ये कलर चेंज करता है और ये सेम कहानी आपको इसके अंदर भी मिलती है अगर आप गोल्डन कलर लेते हैं। तो ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन हो जाता है कलर चेंजिंग स्मार्टफोन, जो कि बिल्ड क्वालिटी को Oppo Reno से थोड़ा सा बेहतर बना सकता है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, Vivo V23 यहां आपको मिलती है 6.4 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड 90Hz के साथ में, एकदम फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों। 180Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, 1300 nits की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है, यानी कि आप डायरेक्ट सनलाइट में काम कीजिए, बहुत अच्छे से यहां पर हैंडल हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं Reno की, यहां पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगता है। क्यों? यहां पर आपको डिस्प्ले मिल गई 6.43 इंच की, फुल HD+ है, सुपर एमोलेड है, 90Hz है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, मान लिया सब कुछ ठीक है, 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी है, दोनों को एकदम एक जैसा डिस्प्ले आपको फील दे पाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यहां पर आपको 800 nits की ब्राइटनेस पीक मिलती है सिर्फ। तो ये थोड़ा सा कम है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं। वैसे देखा जाए दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले काफी बेहतर है, लेकिन सनलाइट में आपको Vivo V23 थोड़ा सा बेहतर काम दे पाएगा। अगर आप फील्ड जॉब करते हैं, धूप में ज्यादा घूमते हैं, है ना, इस टाइप की अगर आप कोई जॉब करते हैं, उस केस में आपको Vivo का V23 Pro बेहतर क्वालिटी दे पाएगा। डिस्प्ले के बाद में सवाल आता है परफॉर्मेंस का, भाई गेमिंग क्वालिटी कैसे आएगी, डे टू डे लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस हमें कैसे मिल पाएगी। तो यहां पर ना Vivo का V23 ये कंटेन करता है MediaTek Dimensity 920 को। ये दोस्तों एक 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित प्रोसेसर है। यहां पर आपको दो वेरियंट मिलते हैं, 8128, 12256 GB का, LPDDR4X RAM, UFS 3.1 के साथ में, एंटीटू बेंचमार्क लगभग 4,90,000, 5 लाख के आसपास का। यहां पर आप दोस्तों हायर सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाते हैं, कैरियर एग्रीगेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहां पर आपको गूगल डायलर मिलता है, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है। यह है दोस्तों यहां पर इसकी कंप्लीट क्वालिटी, जहां पर मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं 1.5-2 दिन से गेमिंग कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं लगती है, इसमें भी नहीं लगती है,
इसमें भी नहीं लगती है। खैर ये तो अलग की चीज है। ऑलराइट, रेनो की बात की जाए, रेनो में आपको मिलता है दोस्तों डायमेंसिटी 900। ये भी एक 6 nm फैब्रिकेशन पे आधारित है, एनर्जी इफिशियंट है, पावर इफिशियंट है, बैटरी को कम कंजप्ट करता है, हीटर फोन को कम होने देता है, थोड़ा कंट्रोल करके रखता है। लेकिन यहां पर एक ही वेरिएंट मिलता है आपको 8128 का LPDDR4X RAM UFS 2.1 के साथ में एथेतो बेंचमार्क लगभग 4,20,000 का। यहां पर भी आपको कैरियर एग्रीगेशन का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, गूगल डायलर मिलता है, मीडियम टू हायर सेटिंग्स पर आप यहां पे गेमिंग कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लगभग क्वालिटी दोनों की आपको सिमिलर मिलने वाली है। फर्क क्या है यहाँ पे दोस्तों, आपको 7 5G बैंड मिलते हैं, यहाँ पर आपको 11 5G बैंड मिलते हैं। एक तो फर्क ये आ गया, अगर आपको 5G का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि भाई मुझे कौन सा लेना चाहिए, आप थोड़ा सा कॉन्शियस है, देन आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, रियल लाइफ में 5G तो ना पता कब आएगा। यहाँ पर आपको मिलता है UFS 3.1, यहाँ आपको मिलता है UFS 2.1, तो रीड एंड राइट स्पीड आपको Vivo का V23 बेहतर दे पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना डेली डे टू डे लाइफ यूजर्स के अंदर, गेमिंग के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, और आप वीडियो को एडिट करते हैं, रेंडर करते हैं, उस केस में कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। दोनों की ही जो क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, आपको लगभग सेम मिलने वाली है। फर्क क्या है, एक तो स्टोरेज टाइप में फर्क है और एक है 5G बैंड का फर्क। यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक गेम चेंजर दिन रात का फर्क आपको मिलेगा कैमरा के अंदर। वीवो की बात की जाए, 64 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो। ऑलराइट, यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन फ्रंट और रियर दोनों में आपको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में मिल जाता है, वीडियो के अंदर भी, ये काफी बेहतर है। लेकिन रेनो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि सेंसर तो सेम है, 64 का, 8 का, 2 का, और सेल्फी कैमरा मिलता है 32 का, लेकिन सेल्फी कैमरा में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। रियर में आप 4K कर पाते हैं, लेकिन सेल्फी में नहीं मिलता है। उस केस में देखिए, क्वालिटी दोनों की प्राइमरी सेंसर से लगभग सेम आती है। मैं यहाँ पर आपको दोनों की ही कैमरा ऐप दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके देखिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि दोनों ही अच्छी फोटो निकालते हैं, अच्छी वीडियोग्राफी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये फ्रंट के अंदर एक तो अल्ट्रा वाइड रखता है, अगर आप ग्रुप सेल्फी वगैरह लेते हो ना कि हाँ भाई साहब मुझे हमें ग्रुप सेल्फी ग्रुप वीडियो लेनी है, उस केस में आपको बेहतर दे देगा। और फ्रंट के अंदर 4K लेके आता है। जब हमें पैसा सेम ही देना है तो थोड़ा 4K वाला फीचर एक्स्ट्रा ही ले लें, तो उस केस में दोस्तों वीवो का V23 रेनो 6 से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बैटरी एंड चार्जिंग की बात की जाए, 4200 mAh की बैटरी 44W की चार्जिंग मिलती है, यहां पर आपको 4300 mAh की बैटरी 65W की चार्जिंग मिलती है। ऑलराइट, तो बैटरी के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो सेम वेरिएंट दोस्तों यहां पर सेम प्राइस सेगमेंट में आता है, 30,000 रुपए, और दोनों ही आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर 2-3 हजार रुपए तक का डिस्काउंट दे देते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर फीचर्स और प्राइस सेगमेंट हमारे सामने हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए। बिल्ड क्वालिटी वैसे दोनों की अच्छी है, लेकिन अगर आप इसका गोल्डन कलर लेते हैं ना, उस केस में आपको कलर चेंजिंग ऑप्शन मिलता है, वो इसे बेहतर बनाता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो वैसे दोनों की सेम है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा काम करते हैं तो 1300 nits की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है, जो कि रेनो से इसे थोड़ा सा बेहतर बनाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ये लगभग सेम है, 5G बैंड आपको रेनो में ज्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन रीड एंड राइट स्पीड आपको वीवो के अंदर बेहतर मिलती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस दोनों की सेम है। कैमरा की बात की जाए तो कैमरा के अंदर दोस्तों एकदम क्लियर कट सा जवाब है कि वीवो का आपको थोड़ा सा बेहतर दे पाएगा, जहां पर सेल्फी में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। रियर कैमरा दोनों के लगभग आपको सेम क्वालिटी देते हैं। बैटरी और चार्जिंग आपके सामने है, तो सवाल ये आता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है। बेहतर दोनों स्मार्टफोन है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना, तो वीवो का V23 हमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर देता है, जहां पर कलर चेंजिंग ऑप्शन और फ्रंट के अंदर 4K अल्ट्रा वाइड, ये अपनी ही अलग पहचान बनाता है। यह है दोस्तों कंप्लीट वीडियो, जहां मैंने कोशिश की है कि Vivo V23 और Reno 6 में आपको अंतर समझा पाऊं, आपके लिए यहां पर बेहतर कौन है आपको बता पाऊं। उम्मीद करता हूं कि अब आप सक्षम हैं अपना एक ड्रीम स्मार्टफोन लेने के अंदर। अगर आपके अभी भी कोई सवाल सुझाव फीडबैक रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, अपने सुझाव आप मुझे बता सकते हैं। Vivo का V23 Pro जो कि इसका बड़ा भाई है ना, इसका गिव अवे हमारे चैनल पर लाइव है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाइए पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप इसे जीत पाएं। वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखी है, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।